वेलकम है एक बार आपका फिर से दोपहर फूड में। आज हम बनाएंगे लहसुन की चटनी। घर की बनी हुई चटनी बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको पका के बनाएं। पका के बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आप इसको 1.5 से 2 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हो और जब आपका दिल करे थोड़ा थोड़ा बच लेके खाएं। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, चटनी हमारे खाने को बिल्कुल कंप्लीट करती है। आप इसको पिज़्ज़ा, पास्ता, भजिया, वड़ा, सलाद, रायता किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। बने रहे हमारी वीडियो पे शुरू से लेकर आखिर तक। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। सबसे पहले तकरीबन 200 ग्राम लहसुन लिया है और इसको अच्छे से छील लिया और थोड़ी सी लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च बोल सकते हो आप इसको, 1 टेबल स्पून सेंधा नमक, सेंधा नमक से इसका स्वाद बड़ा ही अच्छा आता है, 1 टेबल स्पून स्याही जीरा और थोड़े से कटे हुए अदरक, चार से पांच हरी मिर्च, ये तीखी होनी चाहिए, 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर, वाइट विनेगर से इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है और ये लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होती, 1 टेबल स्पून राई, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और तकरीबन मुट्ठी भर करी पत्ता। करी पत्ते से इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। और ये ब्लेंडर डाल लिया है। अब एक पैन लेंगे, पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो सबसे पहले ऐड करेंगे राई और स्याही जीरा। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे जब तक इसका कलर गोल्डन लाइट ना हो जाए। अब एक एक करके जो बाकी सामान है वो इसमें डालेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है इसको दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। ये देखिए एक एक करके ऐड कर लिया है। अब तकरीबन 8 से 9 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे। पकाने से यही फायदा होगा कि इसका थोड़ा मसालों का कच्चापन जाता रहेगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, चाहे तो आप हमें वहाँ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो और कोई सुझाव कोई राय देनी है तो बता सकते हो। ये देखिए हमारे सारे मसाले पक्के तैयार हो गए। अब इसको ठंडा करके, जब तक ये ठंडा ना हो जाए बाद में इसको ब्लेंडर जार में डालेंगे और ब्लेंडर जार में इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, ठंडा करके ही डालना। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हो सके तो अपने दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कीजिए। अब पेस्ट बना लिया है, पेस्ट बन के रेडी है हमारा। अब इसको कोई भी एक एयर टाइट टाइप बर्तन में डाल के फ्रिज में आप इसको स्टोर कर लीजिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर करोगे और मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।